लाख पार आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सही आपने सुना, 1 लाख पार आ चुका है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा पहला पेमेंट आ चुका है। अब मैं अपनी मम्मी को कपड़ा लूँगा, मैं भी कपड़ा लूँगा और मेरा भाई भी लेगा, मेरी बहन भी लेगी। आज पहला पेमेंट, बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम करने के बाद मेरा पहला पेमेंट आ चुका है। और दोस्तों आप कैसे हो, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मेरा पहला पेमेंट आ चुका है, आप देख सकते हैं करीबन 1 लाख पार आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सही आपने सुना, 1 लाख पार आ चुका है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस कैसे आया है और कैसे कैसे करके मैं पैसा यूट्यूब से कमाया हूँ और आप भी कमा सकते हैं। जो नए यूट्यूबर भाई हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी शानदार वीडियो है, आप बने रहिएगा वीडियो में, कहीं जाना बिल्कुल मत। आपको ये वीडियो देख के आपके भी मन में ऐसा फील होता होगा कि काश मेरा भी पेमेंट आ जाए और मैं भी अपने मम्मी पापा बहन और भाई और मेरा कपड़ा ले लूँ। जी हाँ दोस्तों, आप भी कमा सकते हैं पैसा। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे मैंने पैसा पाया, वो भी कम व्यूज में। जी हाँ दोस्तों, 10 और 20 व्यूज और मैं इतना पैसा कमा लिया, वो भी कैसे कमा लिया वो आपको बताऊँगा ज़रूर। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपना फर्स्ट स्टेप बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा पहला स्टेप, मैं मेहनत करते गया और वीडियो कंटिन्यू रेगुलर अपलोड करते गया। जी हाँ दोस्तों, वो आपको भी करना है, रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा स्टेप ये है कि आप थंबनेल ऐसा बनाइए कि पब्लिक तुरंत थंबनेल को देख के आपकी वीडियो को तुरंत क्लिक करे। और एग्जाम्पल के तौर पर ये थंबनेल देख लीजिएगा, और जो आप वीडियो देख रहे हैं कितना अच्छा थंबनेल था कि आपने तुरंत क्लिक करके देखा ना कि 1 लाख पार भाई की फर्स्ट पेमेंट आ गया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको तीसरा स्टेप बताने जा रहा हूँ। तीसरा स्टेप ये है कि आप टैग जो है एकदम बहुत ही अच्छा डालना, मतलब जैसे कि मेरा ब्लॉग है, हाँ तो ब्लॉग में आपको ऐसा रैंक वाला, मतलब कि एकदम अलग टाइटल डालना है। जैसे कि आप ब्लॉग्स डालते हो, माई फर्स्ट ब्लॉग डाल सकते हैं ये, क्योंकि माई फर्स्ट ब्लॉग इसमें बहुत वायरल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वायरल बहुत चल रहा है, आप ये टाइटल डाल सकते हैं और इसे सौरभ जोशी नाम भी डाल सकते हैं, उसका भी टैग डाल सकते हैं और मनोज दे का भी टैग डाल सकते हैं। सबका टैग अगर डाल देंगे तो अगर जैसे यूट्यूब में जो सर्च होगा तो इस अगर ये सौरभ जोशी सर्च होगा तो आपका भी वीडियो आने का आशा रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर माई फर्स्ट ब्लॉग अगर डाले हो तो माई फर्स्ट ब्लॉग सर्च होगा तो माई फर्स्ट ब्लॉग का रैंकिंग आपका वीडियो आ जाएगा उसमें। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ चौथा स्टेप। चौथा स्टेप ये है कि आपके वीडियो की वॉइस जो है एकदम क्लियर होना चाहिए और आप बिल्कुल कैमरे में देखिए, जैसे मैं देख रहा हूँ आप और हमसे कनेक्ट है ना, ऐसे आप भी वीडियो कैमरे के ही सामने बनाना एकदम सेम देख के। हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ पाँचवा स्टेप के बारे में। पाँचवा स्टेप ये है कि जो वीडियो का थंबनेल रहेगा उस थंबनेल के हिसाब से जो वीडियो में बीच का क्लिप रहेगा, क्लिप जो उठा के उसको कट करके पहले वीडियो के आगे ही तुरंत ले लेना है, ताकि मतलब कि वीडियो पे जैसे क्लिक किए, थंबनेल को देख के वीडियो पर क्लिक किए और तुरंत आपका पहला जो जिस पॉइंट पे आपने वीडियो बनाया था वो पहले ही आ गया, तब उसके बाद आपका वीडियो दूसरे पर रैंक करने चालू हो जाएगा। फिर वो जो वीडियो देखने लगेंगे आपकी वीडियो की वॉच टाइम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा दोस्तों। ऐसे ही दिमाग से आप भी काम करेंगे, आपका भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूँ, मेरा अभी कोई भी पेमेंट नहीं आया है, 1 रुपया अभी तक पेमेंट नहीं आया है। मैं थंबनेल ऐसा ही डाला ताकि आप वीडियो देखो, पहले वीडियो देखो ताकि मेरा भी वॉच टाइम बढ़े। और ऐसा दिमाग आप भी लगा के ऐसा कर सकते हैं, टाइटल थंबनेल ऐसा लगाइए कि पब्लिक आपका थंबनेल देख के आपका वीडियो तुरंत क्लिक करे। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा दिमाग लगाओगे तो मेरा वादा है कि आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी और आप भी पैसा कमाओगे, बिल्कुल। जी हाँ, चलिए दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाया आपको, और आप समझ भी चुके होंगे मुझे मालूम है। और मैं आज का वीडियो यहीं एंड करने वाला हूँ क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा, और आपको भी वीडियो शॉर्ट ही रहने देना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा देर पब्लिक देखेगी तो बोर हो जाएगी। जैसे अगर मैं ज़्यादा देर बना दूंगा तो आप बोर होकर दूसरा क्लिप चालू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, और मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट एक प्यारा सा कर देना ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और ऐसे ही आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लाते रहो। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे को ऑन जरूर कर देना। जी हाँ दोस्तों, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।